सो हाई गेस फॉर माई चैनल, मैं सूरज, आप देखें के साइड ट्यूटोरियल। और आज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए हम कैसे पता करें कि हमारी वेबसाइट रेडी है, या फिर हम बात करें हमें जो कि एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसी के बारे में आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूं, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो सारे ट्रिक्स और वो सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं आपके साथ में। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडसेंस अप्रूवल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बहुत सारे लोग मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, और खास बात यहाँ पे ये है कि मैं उनकी वेबसाइट को रिव्यू करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कोई ना कोई उनके में मिस्टेक है, या तो उनकी वेबसाइट में जो भी आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं करती है, या फिर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे तो उनको ये सारी जो भी मिस्टेक करते हैं, अगर हम बात करें जो कि फुटर को नहीं रिमूव करते हैं, या फिर हम बात करें प्राइवेसी पॉलिसी जो होता है वो भी नहीं ऐड करते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एडसेंस के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी होना ही चाहिए सारे, अगर हम बात करें कोई भी ब्लॉगर हैं जो भी ब्लॉगिंग करते हैं अगर वो एडसेंस के लिए जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं बहुत सारे लोगों का रिव्यू करता हूँ, उनमें वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं, और बात है यहाँ पे फुटर की तो फुटर भी रिमूव नहीं होता है। तो फुटर उतना मैटर नहीं करता है कि फुटर अगर रिमूव हो तभी हमें एडसेंस के लिए मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, या सर ये सारी चीज़ें हैं, तो फुटर उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आप फुटर रिमूव कर देते हैं तो आपको बेटर रहता है, आपको अच्छा रहता है। तो उनकी वेबसाइट की रिव्यू करके मैं बता देता हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट जो है कि एडसेंस के लिए रेडी है, या फिर हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज स्टूडेंट में बात करने वाला हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट एडसेंस के लिए रेडी है, या फिर आप एडसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप वेबसाइट में जो भी आपने टेम्पलेट यूज़ कर रखा है, या फिर अगर हम बात करें कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो सब कुछ आपने जो कुछ भी किया है वो एंड में हर एक चीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फुटर को रिमूव किया, या फिर आपने मेनू बार ऐड किया, या फिर आपने जो भी इमेजेस यूज़ किया, वो सबका जो कि एनालाइजिंग लास्ट में आपको करना है, एंड में करना है। एंड में क्यों करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी वेबसाइट आपको लगे कि पूरी तरह से रेडी है, मतलब सब कुछ आप देखिए, फुटर देखिए, आप देखिए मैंने फुटर रिमूव किया है कि नहीं किया है, हमने कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड किया है कि नहीं किया है, और ऐड किया है तो क्या चीज़ें मैंने लिखी है, वो सब कुछ जो है कि एक दूसरे के किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को मैच करिए। जैसे किसी भी एक वेबसाइट को विजिट कर लीजिए जिसका एडसेंस अप्रूवल हुआ है ऑलरेडी, अगर हम बात करें तो उनके कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें मैच करिए उनसे। अब मैच करने का क्या रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैच करिए कि मतलब कितना मैंने जो है कि इसमें सही लिखा है और कितना ये कैसे बंदे ने लिखा है, थोड़ा सा एनालाइज करिए, दोनों वेबसाइट को कंपेरिजन करिए। कंपेरिजन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बता दूँ, कंपेरिजन करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर का जो पेज है, या फिर हम बात करें जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ये अगर उनसे मिलता जुलता है, अगर आपने उन्हीं की जैसा आपने थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से अगर उनके हिसाब से आपने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ें हैं वो जो वेबसाइट की जो फुटर होती हैं, या फिर हम बात करें वेबसाइट का जो मेनू बार होता है, इमेजेस होती हैं, आर्टिकल होती हैं, आर्टिकल सही फॉर्मेट में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप उनसे, उनकी दूसरी वेबसाइट जिनकी अप्रूवल है उनसे मैच कर सकते हैं। मैच करने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी तरीके से उनसे पता लगाएंगे कि मतलब ये कैसा बंदा लिखा है आर्टिकल और मैं कैसा लिखा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी अगर मैच होता है, अगर डिसमैच होता है तो आप उसमें फिर से सुधार करिए, उसमें चेंजेस करिए, और मैच करता है अगर उससे एडसेंस अप्रूवल जिसको मिला हुआ ऑलरेडी, तो उससे अगर थोड़ा भी मैच करता है तो बिल्कुल भी आपकी वेबसाइट 100% रेडी है। मतलब वो सारी चीज़ें देखिए कि मतलब दूसरे का जिसका एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है उसमें और हमारी वेबसाइट में कितना डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। अगर उतना ज़्यादा टेम्पलेट मायने नहीं रखता कि टेम्पलेट कैसा है, किस तरीके का है, वो डिज़ाइन तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल की बात आती है तो अप्रूवल में आपको ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि जो कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी मैंने लिख रखा है और जो इस बंदे ने लिख रखा है, जो दूसरी वेबसाइट पे लिख रखा है, इन दोनों में कितना डिफरेंट है, क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो जैसे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि जो सामने वाली वेबसाइट है उससे जो कि मैच करती हुई है मेरी वेबसाइट, मतलब कोई भी ऐसा मैंने मिस्टेक नहीं किया, बस मेरा टेम्पलेट अलग है, या फिर हम बात करें जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें से एज इट इज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए रेडी है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो आप जो है कि वहाँ पर चेंजेस करिए, चेंजेस करके फिर जाके आप जो है कि एडसेंस के लिए चेक करिए और मैच करिए, कोशिश करिए कि जो भी वेबसाइटें हैं, जो अदर वेबसाइटें हैं उनसे मैच करिए कि उनकी टेम्पलेट में, या फिर हमारी बात करें हमारी
वेबसाइट टेम्पलेट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी रिजेक्शन हो जाए आपकी वेबसाइट का, या फिर रिजेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें मैच करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पता चल जाएगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सब कुछ अगर आपका सेम टू सेम एज इट इज मैच करता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट जो कि सबसे सेम है, हर एक चीज़ आप देखेंगे तो उनके जैसा मैंने बनाया है, फुटर भी है, हर एक चीज़ है, सब कुछ मैंने रिमूव कर रखा है, सब कुछ मैंने लिख रखा है जैसे कि दूसरे वेबसाइट को अप्रूवल मिला है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है उसकी वेबसाइट से, या फिर जो कि टेम्पलेट वगैरह अलग है थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ अगर हम बात करें जो कॉन्टेक्ट अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो आर्टिकल है, जो इमेजेस है, वो सारी सारी जो कि कॉपीराइट फ्री है हर एक चीज़, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। उसको ऐसे में सिर्फ आपको एक ही चीज़ चेक करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट की जो आर्टिकल है वो कितना इंडेक्स्ड कर रही है गूगल वेब मास्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको नहीं चेक करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट हर एक चीज़ आपने प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट हर एक चीज़ जो कि सब सब कुछ जो जिसका एडसेंस अप्रूवल मिला है उससे अगर आपने मैच कर लिया, हर एक चीज़ आपने देख लिया, और अगर आप ये नहीं चेक करते कि आपकी आर्टिकल कितनी इंडेक्स्ड है, तो आपको डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आप जाते हैं एडसेंस अप्रूव के लिए तो रिजेक्शन मिल सकता है या फिर आपकी वेबसाइट अप्रूव ना हो। तो इस पर आपको खासा ध्यान रखना है कि तो ये चीज़ें जो है कि जो सामने वाली की वेबसाइट है उसमें नहीं पता चल पाता है कि उनकी आर्टिकल कितना इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी आर्टिकल कितना इंडेक्स्ड हो रही है, और अगर आपकी आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंडेक्स्ड होगी, बहुत ज़्यादा आप आर्टिकल लिखेंगे, मतलब 15-20 आर्टिकल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसमें से आर्टिकल इंडेक्स्ड होंगी, तो डेफिनेटली आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज आपने फॉलो किया है, हर एक चीज आपको पता है कि जो सामने वाले की वेबसाइट है उससे मिलता जुलता मेरी वेबसाइट है, उसी के जैसा मैंने अपने वेबसाइट को डिजाइन किया है, या फिर उसी के जैसे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, हर एक चीज़ अगर हम बात करें जो कुछ भी है प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट अबाउट जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसी से मैच करते हुए लिखे हैं, लेकिन उसका कॉपी नहीं करना, आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ उसी के जैसा आपको लिख सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, और ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सो ये सबसे बेहतरीन तरीका है ये जानने का कि एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट जो कि सेम एज इट इज़ अगर उसकी जैसी बनी रहेगी जो जिसको एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है, तो डेफिनेटली आपको भी एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।